एलपीजी के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लकड़ी और कोयले का धुआं सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, खासकर बच्चों की सेहत के लिए। नवितास बायो एनर्जी सार ग्रुप के एक महत्वाकांक्षी सदस्य अब लाए हैं दूसरी हरित क्रांति की एक रूपरेखा। गहरे शोध और विकास के परिणाम ये अपने तरह के दूसरे प्रोडक्ट से बहुत आगे है। आसानी से लगाकर चलने वाले नव शक्ति बायोमैस चूल्हा तथा लिव ग्रीन ठोस बायो ईंधन एलपीजी का भारी खर्चा बचाने में है सबसे आगे। भारी इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नव शक्ति के दाम सिर्फ 4 से 8 हफ्ते में आपको वापस मिल जाएंगे। लिव ग्रीन कम दाम पर्यावरण अनुकूल ठोस बायो ईंधन है जो आसानी और निपुणता से चलता है। नवशक्ति चूल्हा एक अत्याधुनिक डिजाइन का कमाल है। इसकी बॉडी रीइंफोर्स्ड माइल्ड स्टील और इसका कंबस्शन चेंबर स्टेनलेस स्टील का बना है। आप 12 किलो लिव ग्रीन फ्यूल से 3 से 3.5 घंटे तेज आंच पा सकते हैं। एक नियमित समय में यदि एलपीजी स्टोव का खर्चा 100 रुपए है तो उसी समय में नवशक्ति स्टोव और लिव ग्रीन ईंधन के साथ आप सिर्फ 50 रुपए खर्च करेंगे। यही नहीं, ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं और धुआं नहीं छोड़ते जो आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये बहुत ही सेफ है और गैस के कंपेयर करते तो बहुत ही सस्ता है। 40% का इसमें मार्जिन है गैस के कंपेयर में। इको फ्यूल है ये। मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि इसी को इस्तेमाल करें, ये भविष्य का प्रोडक्ट है। जैसे आने वाले टाइम में कोल ख़त्म हो रहा है, एलपीजी बाहर से इम्पोर्ट करने हैं वो भी ख़त्म होगी, कभी ना कभी किसी चीज का अंत आता है। ये वेस्टेज है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी और गैस के मुकाबले 40 या 50% सस्ती है, रिलायबल है, कन्वीनिएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि सब इसको इस्तेमाल करें। पहले सुनिश्चित करें कि कंट्रोलर पूरी तरह चार्ज्ड है। इसकी रिचार्जेबल बैटरी 8 घंटे तक चलती है। इसका चार्ज कम होने पर एक लाल बत्ती आपको इसका आगाह कर देगी। कंट्रोलर को स्टार्ट करें और देखें कि पंखे चल रहे हैं। यदि पंखे ना चले तो कनेक्टिंग वायर को चेक करें ताकि कनेक्शन पक्का हो। नीचे राख इकट्ठी करने की ट्रे साफ रखें और ठीक से बंद करें। चेंबर के ऊपरी सिरे के सेकेंडरी होल्स साफ हों। इनको आप एक ब्रश या कपड़े से साफ कर सकते हैं। नवशक्ति चूल्हे को चालू करने के लिए रिएक्टर प्लेट को लिफ्टिंग हैंडल की मदद से कंबस्शन चेंबर के तले तक 12 किलो लिव ग्रीन ईंधन भरने के लिए रखें अथवा बिल्कुल बीचों बीच 6 किलो ईंधन भरने के लिए रखें। लिव ग्रीन ईंधन को कंबस्शन चेंबर में मार्क किए सुराखों से 1/2 इंच नीचे तक ही भरें। चूल्हा सुलगाने के लिए 4 लिव ग्रीन इको फ्रेंडली छोटे टुकड़े करके ईंधन के ऊपर फैला दें और मोमबत्ती या लाइटर से आग जलाएं। आप चाहें तो बर्नर प्लेट को उसके नियुक्त स्थान पर रख सकते हैं। जब आंच जल जाए तो कंट्रोलर नॉब को 2 मिनट मैक्सिमम पर रखें, जिससे ईंधन ठीक तरह से आग पकड़ ले। अब आंच को रेगुलेटर की मदद से नियंत्रित करें। उच्च क्वालिटी का पंखा नीचे से हवा पंप करेगा और ऊपर से सेकेंडरी हवा की मदद से आंच आपकी इच्छा अनुसार लेवल तक जलेगी। बर्तनों को चूल्हे पर रखें और खाना पकाएं। पकाने के दौरान चूल्हे को कुछ मिनट तक बंद कर सकते हैं, जिसके बाद चूल्हा स्वयं चलाया जा सकता है। जब खाना पकाने का एक क्रम खत्म हो तो बची हुई राख को ट्रे से साफ कर दें। पकाने के क्रम की समाप्ति पर
पंखे को चलने दें और आप पकाने के क्रम को 20 या 30 मिनट बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। At SAR Group, we are committed to provide solutions to commonly faced problems for consumers. We have been working on solving infrastructure deficit problems like water purification, like energy, like power backup, power deficit for many decades now. And recently, we have started focusing on delivering biofuel, which is a healthier and a cleaner way to solve the cooking fuel problem, which is conventional fuels are leading to significant amount of pollution, carbon generation, and serious health hazards are associated with that kind of usage of fuel. I am very keen to know your experiences as you use these products, and will be happy to hear from you and act upon your feedback.